उन्हें धमकाकर मारा जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मुझे भी धमकाया गया कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, एक लड़की होकर तुम ऐसा काम कर रही हो। मेरा नाम वंशिका है और आप लोग मुझे वैसे भी जानते होंगे। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। पापा जी मेरे अपाहिज हैं और वो मेहनत मजदूरी करते हैं, मतलब मयूरी चलाते हैं जिसे ट्रिवी कहते हैं। और मम्मी जी मेरी जंगल बाहर का काम करते हैं, जैसे किसी के काम पे जाना ऐसे काम करते हैं। और मैं वो अपनी मेहनत कर कर हमें पढ़ाते हैं। मैं 10th क्लास में हूँ, AKP इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। तो मुझे देखा नहीं जाता जब मेरे पिता जब किसी मतलब मजदूरी करते हैं, जब वो मयूरी चलाते हैं और 10-10 रुपये में किसी को बिठाते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि आ जाओ मैं आपको छोड़ दूंगा, 10 के बैठ के 5 देते हैं ना मैं आपको छोड़ दूंगा। मम्मी मेरी कहीं मजदूरी करने जाती हैं तो उन्हें धमका कर मारा जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। एक दिन जब लॉकडाउन चला था तो मुझे भी जाना पड़ गया अपनी मम्मी के साथ। मैं भी एक दिन ऐसे आलू में नहीं जाते हैं ऐसे मैं भी चली गई थी कि मैं भी देखूं कि मेरी माँ कैसे कमाती है। वहाँ पे मम्मी के साथ गई तो मुझे भी धमकाया गया कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, एक लड़की होकर तुम ऐसा काम कर रही हो। तो मुझे बहुत दुख होता है जब मेरी मम्मी कहीं किसी के साथ काम करने जाती हैं, मेरे पापा किसी के काम करने जाते हैं। मेरा सपना यही नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं, मेरा सपना ये था मैं पढ़ूं लिखूं और उनका उन्हें कुछ करके दिखाऊं, ज़्यादा नहीं तो मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझ पर उंगली नहीं उठाए, मैं उन पर उंगली उठाकर बात करूं। मैं एक लड़की हूँ, मैंने कभी आज तक ये नहीं सोचा कि मैं अपने माँ बाप का सर नीचे रखूँ। मैंने हमेशा यही कहा था कि मैं अपने माँ बाप का सिर उठा के चलूँ और वो मैंने कर दिया। और हमारा घर है, हमारा लैंटर भी टूट गया था, छोटी बहन है मेरी उसके ऊपर वो गिर जाता, आप देख भी सकते हो। और मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें मैं घर का भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती थी और उन्हें संभालती थी भी। हमारी छोटी सी कटिया भी है, उसके लिए नियार पूछ भी हम करते थे। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम गलत काम करें, हमने चाहा कि अपने जीवन में हम कुछ करके दिखाएं, वो हमने कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा मतलब चैनल नहीं वो कॉपी कर रहे हैं, मेरी मेहनत का मुझे नहीं दे रहे। अगर मेरा नसीब किसी चीज़ में है तो मैं इसी भी अपना जीवन बनाऊंगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ क्या। बाजी बाजी टाइम जब अपने चैनलों की कॉपी के बारे में सुनती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि मेरी मेहनत का मुझे ही नहीं मिल पा रहा। और मेरी मतलब दादी भी हैं, वो भी फैक्ट्री में काम करने जाती है, मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब वो फैक्ट्री में काम करना जाती हैं। धूप ऊपर से पड़ती है, वो काम करने जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं भी ऐसी हूँ कि मैंने आज तक कभी अपनी फैमिली के बारे में बुरा भला कुछ नहीं सोचा। जब मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में बातें सुनी तो वो भी खूब रोए कि मैंने उनका नाम ऊंचा करा। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ तो मैं यही चाहती हूँ कि जिस घर में मैं रहती हूँ, मेरे माँ बाप ने तो टाइम काट लिया, लेकिन मेरे माँ बाप चाहते हैं कि हम वो टाइम ना काटें, हम उन्हें कुछ करके दिखाएं। उन्होंने भी हमें अपनी मेहनत कर कर मुझे पढ़ाया और वो मुझे आगे भी पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब मेरी नसीब यहाँ पे आ गया तो मेरे माँ बाप अब भी हार नहीं माने, वो बोल रहे हैं कि पढ़ो और अपने जीवन में कुछ करो। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस घर का सारा दिल लड्डन निकाल दूँ।